भैया क्या नाम है आपका? अनिल कुमार करी। आज इकट्ठा हैं इतने सारे किसान इकट्ठा है तहसील परिषद में, क्या समस्या हो रही है? हमारी समस्या 5 जनवरी से 2 जनवरी तक, 12 जनवरी तक अभी तक जो वार्ता हुई है, और जो है 8 और 9 तारीख को रात और दिन में अधिक वार्ता होने और ओले किसानों की सब्जी फसल नष्ट हो गई और सैकड़ों की तादाद में बात पहाड़ी सभी किसान व आस पास लगे हुए गाँव के किसान यहाँ पर आए और सरकार से मुआवजे की मांग करने के लिए, और जो किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो फसल बीमा कराया उसका मुआवजा भी दिलाया जाए और नहीं तो किसान मंडी के कगार पे आ जाए। आज लगभग कितने किसान यहाँ इकट्ठा हुए हैं? क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बरात पहाड़ी। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप लोग? इंद्रेंद्र कुमार नाम है, बरात पहाड़ी से आए हैं। तो क्या समस्या हो गई आप लोगों को? 8 बजे आठ तारीख की रात्रि में बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण जल भराव हो गया, हमारी सारी फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई। क्या क्या मांग करते हैं शासन से? हम शासन से मुआवजे की मांग करते हैं, हमारी जो क्षति की जाए। लगभग कितनी खेती थी और कितना नुकसान हुआ आप लोगों को? संपूर्ण नष्ट हो गया, 100% कुछ भी नहीं बचा है। कितनी खेती है आपकी? 30 बीघे। समस्त जितने किसान हैं सभी लोगों के पास, किसी के पास 30 बीघे, 50 बीघे, 10 बीघे, 5 बीघे, सबके पास है और सबका सब कुछ नष्ट हो गया, पूरे में खेत तालाब बन गए। आज कहाँ आए हुए? आज तहसील में आए हैं SDM साहब के पास में ज्ञापन देने के लिए। ओलावृष्टि का जो नियमानुसार है, जो प्राइवेट जो कंपनी एजेंसी होती है इंश्योरेंस वाली, उसको भी बता दिया गया है और हमारे जो तहसीलदार हैं वो सभी जगहों का वो करके गूगल शीट पर उसको डाल रहे हैं कहाँ कहाँ कितना कितना नुकसान हुआ, जिससे कि नियमानुसार कार्रवाई की जाए।